तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। मैं आपका दोस्त सर्जन का हॉस्टल दोस्तों। हम 10 AM फिर सब जीके के बारे में बात करेंगे। दोस्तों वीडियो की अगर बात करें तो वीडियो मैंने बताया है दुनिया का पहला सोने से बना होटल कहाँ खुला है, पबजी एक दिन में कितने रुपए कमाता है, पबजी भारत में क्यों नहीं बैन हुआ, इसके पीछे क्या कारण है, लास्ट कितने दिन पुरानी ये कैसे पता चलता है, सैफ अली खान और अमृता सिंह की शादी हुई थी तो करीना कपूर की उम्र क्या थी। तो वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाला है, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना और पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों बिना किसी बकचोदी के वीडियो शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, दुनिया का पहला सोने से बना होटल कहाँ खुला है। सही जवाब। दोस्तों वैसे तो आपने बहुत सारे होटल देखे होंगे, पर क्या आपने कभी ऐसा होटल देखा है जो पूरी तरह सोने से बना हो। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं, वियतनाम की राजधानी हनोई में एक होटल खुला है। इस होटल का नाम डोल्से हनोई गोल्डन लेक है। इस होटल की भारी दीवारों से लेकर फर्श से टॉयलेट बाथरूम समेत सभी चीजें सोने से बनी हुई है। सवाल नंबर 2, जुगाड़ को इंग्लिश में क्या कहा जाता है। सही जवाब। दोस्तों वैसे तो आप सभी जानते हैं हम भारतीयों के बराबर जुगाड़ी इस दुनिया में कोई नहीं है, पर क्या आपको पता है जुगाड़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं। दोस्तों जुगाड़ को इंग्लिश में मेक शिफ्ट कहा जाता है। सवाल नंबर 3, ऐसी कौन सी चिड़िया है जो बिल्कुल रुई के गेंद के जैसी होती है। सही जवाब। दोस्तों वैसे तो आपने बहुत सारी चिड़ियों की प्रजाति देखी होगी, पर क्या आपने कभी ऐसी प्रजाति देखी है जो बिल्कुल रुई के गेंद के जैसी दिखती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी भी एक प्रजाति है। इस चिड़िया का नाम सीमा नागा है, जिसकी फोटो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हो। इस चिड़िया को हाथ में लेने से ऐसा लगता है जैसे किसी रुई की गेंद को हाथ में ले रखा है। सवाल नंबर 4, ऐसा कौन सा देश है जिसमें मात्र 40 मिनट की रात होती है। सही जवाब। दोस्तों वैसे तो आप सभी जानते हैं जनरली नाइट 10 से 12 घंटे की होती है, पर नॉर्वे एक ऐसा देश है जहां मात्र 40 मिनट की रात होती है। इस देश को कंट्री ऑफ मिडनाइट सन भी कहा जाता है। सवाल नंबर 5, पबजी एक दिन में कितने रुपए कमाता है। सही जवाब। दोस्तों दुनिया के लोकप्रिय गेमों में से एक गेम है पबजी, यानी प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड की कमाई की अगर बात करें तो 2019 में आई एक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार पबजी एक दिन में 48 करोड़ रुपीज, यानी एक घंटे में 2 करोड़ व एक मिनट में 3 लाख रुपए कमाता है। दैट्स अमेजिंग। सवाल नंबर 6, लास्ट कितने दिन पुरानी ये कैसे पता चलता है। सही जवाब। दोस्तों लास्ट कितने दिन पुरानी ये पता करने के लिए फोरेंसिक लैब के साइंटिस्ट लास्ट पर पाए जाने वाले कीड़ों की प्रजातियां देखकर पता लगाते हैं कि लास्ट कितने दिन पुरानी है। सवाल नंबर 7, किस सांप के काटने पर शरीर के सारे छेदों में से खून निकलना शुरू हो जाता है। सही जवाब। दोस्तों वैसे तो आपने बहुत सारे सांपों के बारे में सुना होगा, देखा होगा, पर क्या आपने कभी ऐसे सांप के बारे में देखा या सुना है जिसके काटने पर शरीर के सारे छेदों से खून निकलना शुरू हो जाता है। दोस्तों आपको बता दूं, ऐसा भी एक सांप है। इस सांप का नाम बूम स्लैंग है, जिसकी फोटो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हो। अगर ये किसी को काट ले शरीर के सारे छेदों से खून निकलना शुरू हो जाता है। सवाल नंबर 8, इंडिया में पबजी क्यों नहीं बैन हुआ, इसके पीछे क्या कारण है। सही जवाब। दोस्तों वैसे तो आप सभी जानते हैं चीन और भारत की लड़ाई के बाद भारत सरकार ने चीन के 59 ऐप्स को बैन कर दिया है, जिसमें टिकटॉक भी शामिल था। पर दोस्तों कई लोग ये सोचते हैं कि पबजी भी तो एक चाइनीज ऐप, इसको क्यों नहीं बैन किया गया। तो दोस्तों आपको बता दूं, पबजी की मालिकी एक मिस्क मालिकी है। इसको दक्षिण कोरिया की एक बड़ी टेक कंपनी ब्लू होल ने वर्ष 2000 में आई जापानी फिल्म ब्रेटर रॉयल से प्रेरित होकर बनाया था। इसके कुछ समय बाद चीन की एक बड़ी गेमिंग कंपनी टेसेंट गेम्स ने इसका आधा हिस्सा खरीद लिया था और वही कंपनी इसका एंड्रॉइड वर्जन लेकर मार्केट में आई थी। तो इस तरह पबजी की मालिकी एक मिस्क मालिकी हो गई और यही कारण है कि पबजी भारत में बैन नहीं हुआ। सवाल नंबर 9, पबजी को बैन करने वाला पहला देश कौन सा है। सही जवाब। दोस्तों पबजी पर पूर्णतः बैन लगाने वाला देश है पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने पबजी पर पूर्णतः बैन लगा दिया है। सवाल नंबर 10, जब सैफ अली खान की शादी अमृता सिंह से हुई थी तो उस समय करीना कपूर की उम्र क्या थी। सही जवाब। दोस्तों वैसे तो आप सभी जानते हैं आज सैफ अली खान और करीना कपूर पति पत्नी है, पर क्या आपको पता है कि जब सैफ अली खान की पहली शादी अमृता सिंह से हुई थी तो उस समय करीना कपूर की उम्र क्या थी। दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब सैफ अली खान और अमृता सिंह की शादी थी तो उस समय करीना कपूर की उम्र मात्र 10 साल थी। और हैरानी की बात तो ये है कि उस शादी में करीना कपूर भी गई थी, यानी एज ए गेस्ट करीना कपूर भी उस शादी में शामिल हुई थी। जानकारी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।